ठीक है। अब वो परिवर्तन क्या आएंगे ये समझ लो, ठीक है। विश्व इतिहास पढ़ लिया है क्या, बायोलॉजी हो गई है ना। हाँ, तो वहां पे तुम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। पुनर्जागरण है ना, क्या था बेटा ये पुनर्जागरण, फिर से जागना है ना। क्लास के बीच में हम सो गए तो हम दोबारा जाग गए, वो पुनर्जागरण हो गया। वो पुनर्जागरण है, वेरी गुड। हाँ बेटा, वो तो परिणाम था पुनर्जागरण का, प्रबोधन, ठीक है। पुनर्जागरण के बाद एक दूसरी विचारधारा आती है, वो है प्रबोधन। है ना, पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने विश्व इतिहास। हाँ शाबाश, ऊपर ऊपर से अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवीजन नहीं है, याद नहीं होता ना तुम लोगों को, बर्डन वैसे ही तुम लोगों को। है ना, क्या बेटा, चलिए समझो, एक बेसिक समझ लो, ठीक है। ऊपर ऊपर से मैं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं। देखो, प्राचीन इतिहास में, ठीक है, जो रोमन साम्राज्य था, वो रोमन साम्राज्य में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था वो था पोप, ठीक है। शासन व्यवस्था थी, अलग अलग साम्राज्य भी थे, ब्रिटिश साम्राज्य भी था, फ्रांसीसी साम्राज्य भी था, रशिया का साम्राज्य भी था, ठीक है। अलग अलग साम्राज्य मौजूद थे, क्यों, क्योंकि जो तुर्क, जो रोमन साम्राज्य था वो सामंतवादी था। सामंतवाद की अवधारणा पता ही होगी, जहां एक केंद्रीय शक्ति होती है और उसके अधीन क्षेत्रीय स्वायत्त क्षेत्र होते हैं, वो सामंतवाद। तो जो रोम साम्राज्य था वो सामंतवादी विचारधारा पर आधारित था। तो मतलब सबसे प्रमुख कौन हो गया, पोप, ठीक है। और पोप के अधीन सारे राजा, ठीक है। अब ये राजा, चाहे ब्रिटेन कह लो, फ्रांस कह लो, ये आपस में लड़ तो रहे हैं, बट इन सबको सुनना किसकी है, पोप की, ठीक है। और वो जो पोप है वो महाभ्रष्ट व्यक्ति है, ठीक है। वो पैसे लेकर निर्णय सुना रहा है, अच्छा तुमने ज्यादा पैसे दे दिए, मैं फ्रांस की तरफ, उधर फिर ब्रिटेन ने ज्यादा पैसे दे दिए, मैं ब्रिटेन की तरफ। इसका मतलब क्या था, धर्म तो था, बट यही धर्म क्या परिशुद्ध था, नहीं भ्रष्ट था, ठीक है। इस धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, पोप का साम्राज्य तो रहेगा बट वो साम्राज्य बिना किसी विरोध के तो चलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में जब 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य का उदय होगा, ठीक है, तो लड़ाई छिड़ेगी तुर्की साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच। और वो लड़ाई होगी कहां, इस क्षेत्र में, क्योंकि तुर्क साम्राज्य यहीं अनातोलिया से ही तो विकसित हो रहा है ना, यहां से तुर्क साम्राज्य बनेगा, यहीं पर पूर्वी रोमन साम्राज्य भी है, ठीक है। ऐसी स्थिति में यहां पर निरंतर संघर्ष होंगे, और ये संघर्ष राजनैतिक होने के साथ साथ धार्मिक संघर्ष भी होगा। इस्लाम बढ़ रहा है, उससे का खतरा ईसाई धर्म पर आएगा, ठीक है। और जब ये तनाव वाली स्थिति होगी, युद्ध वाली स्थिति होगी, तो इस युद्ध वाली स्थिति से बहुत सारे लोग पलायन करेंगे इस क्षेत्र से। और पलायन करके वो जाएंगे कहाँ, वो जाएंगे पश्चिमी रोमन साम्राज्य में, क्यों, क्योंकि वो शांत एरिया है। लड़ाई किसके बीच हो रही है, युद्ध किसके बीच हो रहा है, पूर्वी रोमन और तुर्क साम्राज्य।
ऐसी स्थिति में शांत क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी रोमन, और वहां पे भी रोम, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहां से जो लोग पलायन करेंगे वो मुख्य रूप से कहां जाएंगे? इटली, वर्तमान में इटली, रोमन साम्राज्य। और ये लोग होंगे कौन, समझना, क्या सैनिक भागेंगे, क्या राजा भागेंगे? नहीं, भागेगा कौन? वे लोग जिनके पास पैसा है और जो लोग शांति चाहते हैं। और ऐसे लोग कौन होंगे? प्रबुद्ध वर्ग, चित्रकार, साहित्यकार, ठीक है, ये सारे लोग। और जब ये लोग यहां से पलायन करेंगे तो ये पलायन करने के समय जो अपनी सबसे कीमती धरोहर है उसको लेकर जाएंगे, ठीक है। उस समय क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट वगैरह तो होते नहीं थे, और सबसे महत्वपूर्ण धरोहर क्या होगी इनकी? इनका साहित्य, इनका साहित्य, ठीक है, इनका ज्ञान। तो जब ये अपना ज्ञान लेके यहां से रोम जाएंगे, रोम का अपना ज्ञान होगा जो बड़ा ही कुरीतियों से भरा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोम में जो दर्शन चल रहा है इस समय तक वो ये चल रहा है कि विश्व के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य उसके चक्कर लगा रहा है। ये वहां का दर्शन है बेटा। कितने पढ़े लिखे लोग हैं सोच लो तुम यूरोप के, राइट। उन्हें ये लगता था कि ये जो दुनिया है ये गोल नहीं है, ये चपटी है, इसका एक कोना है, ठीक है, तो उस कोने से आगे जाओगे तुम गिर जाओगे। ये दर्शन था वास्तव में, ठीक है, मैं मजाक के लिए नहीं बता रहा, ये स्थिति थी, ठीक है। अब जब इस स्थिति के साथ पूर्व का दर्शन पहुंचेगा, ठीक है, तो एक दार्शनिक रूप से टकराव मौजूद होगा, एक टकराव निर्मित होगा, और इस टकराव से जो यूरोप का अंधकार है वो दूर होगा। लोगों को समझ में आएगा कि धर्म जो है इसने हमें एक बेड़ियों में जकड़ रखा है, गलत चीजें सिखा रखी है, धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति, ठीक है। तो धर्म का उतना ही महत्व होना चाहिए जितना व्यक्ति के हितों में, या व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे, या व्यक्ति के विकास में योगदान दे। और अगर ऐसा कोई धर्म है जो व्यक्ति के विकास में योगदान न देकर व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध कर रहा है, ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। मतलब अब जो लोग होंगे वो क्या सोचेंगे, चर्च से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत, ठीक है। तो वो जो अंधकार वाला युग था जिसमें यूरोप ग्रसित था, उस अंधकार से एक नए उजाले की ओर जाएगा जो व्यक्तिवाद पर आधारित होगा, नए सिद्धांतों पर आधारित होगा, नए दर्शन पर आधारित होगा। और ये दर्शन जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि प्राचीन काल का जो दर्शन है, जो प्राचीन का यूनान का जो दर्शन है, क्योंकि यहीं से जा रहा है ना साहित्य, तो यहीं से जो साहित्य गया, जो अब नया दर्शन आ रहा है वो तो पुराना ही दर्शन है जो प्राचीन काल में था और बीच में समाप्त कर दिया गया। इसीलिए इस दौर को क्या कहा जाएगा, पुनर्जागरण। मतलब हम उस स्थिति में दोबारा पहुंचेंगे जिस स्थिति में शुरुआत में थे, जहां व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण था, व्यक्ति के निजी विचार ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ना कि किसी धर्म का प्रभाव। इसीलिए इसे क्या कहा गया, पुनर्जागरण, ठीक है। इसीलिए इसे सुधार नहीं कहा। अगर आप वही चीज देखेंगे तो भारत में पुनर्जागरण नहीं कहा जाता, भारत में क्या कहा जाता है, सामाजिक धार्मिक सुधार, ठीक है। तो सुधार क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण मतलब हम वापस उस स्थिति में जा रहे हैं जिस स्थिति में पहले थे, हाँ, ठीक है। उसमें भी दो विचारधारा है बेटा, एक पुनर, एक सुधार की है और एक पुनः स्थापना की है, जैसे दयानंद सरस्वती के जो विचार है, ठीक है। दयानंद सरस्वती पुनः वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं, वो उस पुनर्जागरण की बात करते हैं। वहीं पे राजा राममोहन राय सुधार की बात करते हैं, ठीक है। तो जब पुनर्जागरण होगा तो इस पुनर्जागरण के प्रभाव में प्रत्येक व्यक्ति मानवता को ज्यादा प्रभावित करेगा, मानवता भी ज्यादा महत्व देगा, और ऐसे में व्यक्ति अपने निजी विचारों को और ज्यादा बढ़ाएगा। और जब निजी विचार व्यक्ति के बढ़ेंगे तो उसकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। अब जब उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तो वो नए आविष्कार करेगा, नई सोच विकसित करेगा,
और इसी प्रबोधन का परिणाम ये होगा कि नए यंत्र आएंगे, नई तकनीक आएगी, ठीक है, और इन नए यंत्रों और इन नई तकनीकों के माध्यम से, इन नई खोज के माध्यम से, इन यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक शक्ति अत्यधिक बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? ये कब हो रहा है बेटा? 14वीं-15वीं शताब्दी में। और अगर यही समय देखोगे तो अब जब ये लोग आपस में अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू करेंगे तो ये लोग समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और समुद्री मार्ग कहां के लिए? भारत के लिए। भारत के लिए ही क्यों? क्योंकि जो व्यापारिक मार्ग था, ठीक है, जो तुर्की होकर जा रहा था, उस पर अब तुर्की साम्राज्य बन गया, ठीक है। अब तुर्क साम्राज्य इस्लामिक राज्य है, ठीक है, और यूरोपीय व्यापारी ईसाई है। ऐसी स्थिति में क्या तुर्क साम्राज्य इस व्यापार को होने देगा? या तो होने नहीं देगा, या फिर जो टैक्स लगाएगा वो बहुत ज्यादा लगाएगा। ऐसी स्थिति में ये देश यूरोप के क्या कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मार्ग खोजा जाए जो सीधे हमें भारत पहुंचा दे, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य से बेटा भारत की खोज की शुरुआत हुई, ठीक है। और फिर कहा गया कि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा गया, कब? 15वीं शताब्दी के अंत में। किसके द्वारा? वास्को डी गामा द्वारा। इससे पहले, ठीक है, कोलंबस भाई साहब भी निकले थे, ठीक है, बट वो कहां पहुंच गए? अमेरिकी तट पे, ठीक है। बोले भारत खोजने निकले थे इसलिए वेस्ट इंडीज हो गया, राइट। और फिर क्या बोले? ये नया विश्व है, ठीक है। नया विश्व क्यों? क्योंकि अभी तक तो इस विश्व का पता ही नहीं था ना इन लोगों को। मतलब जो अमेरिका, जो अमेरिकी महाद्वीप सदियों से है, ठीक है, वो इन लोगों के लिए नया विश्व हो गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता था कि विश्व में सिर्फ यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका है, इससे ज्यादा विश्व है ही नहीं। तो अब जब अमेरिका मिलेगा तो बोले नया विश्व, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। और जब यहां से शुरू होगा तो समझना, अब भारत के लिए व्यापारिक मार्ग ढूंढ लिया गया, ठीक है, 1498 में। अब इसकी वजह से जो यूरोपीय ताकतें होगी उनका मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब रास्ते में किसी को टैक्स नहीं देना है, वो सीधे समुद्र होते हुए जा रहे, तो रास्ते में कोई नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका में एक बंदरगाह पड़ेगा, उस बंदरगाह पे रसद वापस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा टैक्स दे देंगे, बाकी टैक्स, बाकी पूरा का पूरा व्यापार फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कस्टम ड्यूटी के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यापार जो पहले बहुत सारे कर के माध्यम से हो रहा था, फिर भी वो मुनाफे वाला था, अब जब बिना किसी मध्यस्थ के माध्यम से होगा तो मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो पूरे दुनिया में एक होड़ मच जाएगी नए साम्राज्यों की। तो इसी पुनर्जागरण और प्रबोधन का परिणाम क्या निकलेगा? एक नई दौड़ शुरू होगी उपनिवेश की। बट इस उपनिवेशवादी दौड़ में सबसे बड़ा रुकावट होगी वो कौन सा होगा? पोप। क्योंकि पोप तो अभी भी शक्तिशाली है ना, पोप तो अभी भी सारे देशों पे अपना आधिपत्य समझ रहा है, मान रहा है। और ये देश जब उपनिवेश की दौड़ में शामिल होंगे तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा यूरोप आपस में लड़ रहा है, ठीक है, और पोप सबसे शक्तिशाली है। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आता है, और वो वर्ष है 1648, ठीक है। और इस 1648 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि होती है,
ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है। वेस्टफेलिया की संधि। अब इस वेस्टफेलिया की संधि से दो महत्वपूर्ण काम हुए। एक, जितने भी राज्य थे उस पर जो पोप था उसका नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। मतलब अब संपूर्ण राज्य जो होंगे यूरोप के, वो अपने निर्णय संप्रभुता के आधार पर लेंगे, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो इस वेस्टफेलिया की संधि से हुआ, वो ये था कि राज्य की अवधारणा को बदलकर राष्ट्र राज्य की अवधारणा अस्तित्व में आई, ठीक है। अब ये राज्य और राष्ट्र राज्य में अंतर क्या है? राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है, किसी को पता है? राज्य, राष्ट्र, शाबाश। बोलो बेटा, एनीवन एल्स? राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है? वही है जो प्रवीण ने कही, है ना। जहां राष्ट्र की बात करते हैं तो राज्य तो अभी भी हम समझ रहे हैं, इससे पहले भी हमने समझा कि राज्य में आता क्या है, ठीक है। ये अगर चार चीजें शामिल है तो कोई भी क्षेत्र राज्य कहलाएगा। बट यदि इन क्षेत्रों की संस्कृति, ठीक है, एवं भावनात्मक रूप से जुड़ाव है या भावनात्मक रूप से एक रूपता है, तो ऐसी स्थिति में वही राज्य क्या बन जाएगा? राष्ट्र राज्य, ठीक है। तो जैसा कहा, ठीक है, राष्ट्र जो है वो एक भावनात्मक अवधारणा है। गेटिंग दिस पॉइंट? जहां समान संस्कृति वाले लोग एकजुटता या एक रूपता की भावना के साथ निवास करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया राष्ट्र राज्य। अब ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र राज्य की अवधारणा आएगी वेस्टफेलिया के बाद, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? जो राष्ट्र होंगे वो अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित होंगे। जिन देशों की अलग अलग संस्कृति होगी वो अपने अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेंगे, और ये शक्तिशाली राष्ट्र, ठीक है, एक रूप होंगे, क्योंकि वो एकता की भावना भी है। समान संस्कृति के लोग में भ्रातृत्व की भावना अधिक होगी, और जब समान संस्कृति के लोगों में भ्रातृत्व की भावना अधिक होगी तो देश या जो राष्ट्र है वो और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। आई बात समझ में? और इस वजह से उस शक्तिशाली होने के लिए किस चीज की शुरुआत होगी? उपनिवेश ढूंढने की, अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि पहले अगर शक्तियां बढ़ाई जाए तो हिस्सा किसके पास जाएगा? चर्च के पास। पोप लेगा ना, कहीं से भी अगर तुम जीते हो, कोई भी जीता हो, तो हिस्सा किसके पास जाएगा? पोप के पास। अब वेस्टफेलिया के माध्यम से पोप का जो नियंत्रण है वो समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जो भी संपत्ति आएगी वो राज्य की, तो राज्य अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस स्थिति में उपनिवेशों की जो दौड़ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे अगर, तो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। 1600 में अभी तक खोजे गए मार्ग, बट अब इस दौर को और आगे बढ़ाया जाएगा, उपनिवेश की दौर बढ़ेगी। ठीक है, फिर डच आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, पुर्तगाली पहले से व्यापार थे। ठीक है, तो इस स्थिति में ये तो सिर्फ भारत की बात हुई, ये अब क्या होगा, एक उपनिवेश की नई दौर शुरू हो जाएगी। और इस उपनिवेश की दौर में जो महान शक्तियां होगी यूरोप की, वो विश्व को आपस में बांट लेगी। डन। तो क्या हुआ, उस प्राचीन व्यवस्था से, जो नगर राज्य की व्यवस्था थी, उस नगर राज्य की व्यवस्था से हम महान साम्राज्य की स्थिति में आए। उस महान साम्राज्य की स्थिति से अब हम किस स्थिति में आ गए, राष्ट्र राज्य की स्थिति में। वो इवोल्यूशन समझ में आया किस तरीके से परिवर्तित हुआ। बट ये पूरी की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो विकसित हुई है, ये मुख्य रूप से कहां विकसित हुई है? यूरोप में, राइट। और इस यूरोप में महान शक्तियां पहले से मौजूद है, क्योंकि इन लोगों को यह लगता था कि जो भी महान, जो भी शक्तियां है वो इन्हीं के पास हो सकती है, इनके अलावा तो किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, और ये महान शक्तियां कौन कौन सी? ब्रिटेन, फिर फ्रांस और स्पेन। ठीक है, डच, ठीक है, कुछ समय के लिए पुर्तगाल। ठीक है, बट 1580 के बाद पुर्तगाल की स्थिति कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि स्पेन ने पुर्तगाल को अपने अधीन बना लिया। तो जब इस तरह से महान शक्तियां होगी, तो ये महान शक्तियां न केवल आपस में लड़ेगी, ये विश्व में एक नई जो उपनिवेशों की दौड़ होगी उसमें भी शामिल होगी। तो विश्व जो बटेगा वो किसके बीच बटेगा? इन्हीं के बीच। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से विश्व व्यवस्था पूरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, यूरोप आधारित हो गई। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर लड़ रहे हैं यूरोप में, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा, जहां जहां ये दोनों मौजूद है। उदाहरण के तौर पे अगर भारत में, आप भारतीय इतिहास पढ़ा है तुम लोगों ने, तो भारतीय इतिहास में तुमने तीन आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध पढ़े होंगे, है ना, थ्री एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर देयर। और ये तीनों के तीनों आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध जो थे, उसका कारण क्या रहा है, वहां पे लड़ रहे थे इसलिए यहां पे भी लड़ना शुरू। ठीक है, इन तीन में से सिर्फ जो दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था वो भारतीय कारणों से था, अनवरुद्दीन और दोस्त अली, नवाब ऑफ कर्नाटक और हैदराबाद। ठीक है, उसके अलावा पहला ऑस्ट्रियन राजकुमार के प्रश्न पर, ठीक है, और तीसरा क्योंकि यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, तो बोले यहां पर भी लड़ लेते। सिंपल, मतलब जो कुछ यूरोप में हो रहा है वो पूरे विश्व में होगा, जहां जहां ये अपने साम्राज्य को बना रखे। तो कहीं ना कहीं जो विश्व राजनीति है वो यूरोपीय राजनीति ही थी, हम कह सकते हैं यूरोपीय राजनीति विश्व राजनीति ही थी, राइट। और इसी उपनिवेशवाद में जो सबसे प्रमुख कारण था वो वही था जो राष्ट्रवाद शुरू हुआ था 1648 से। वेस्टफेलिया के बाद जब राष्ट्र राज्य की अवधारणा होगी, तो राष्ट्र क्या करेंगे, अपने आप को समान सांस्कृतिक क्षेत्र में एक रूप करने की कोशिश करेंगे, और ब्रिटेन और फ्रांस इन सब में बहुत आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित है। ठीक है, तो उस महान साम्राज्यों में शक्ति अधिक होने की वजह से ये उपनिवेश की दौड़ में आगे निकल जाएंगे, और जब ये उपनिवेश की दौड़ में आगे निकलेंगे तो बाकी के देश क्या करने की कोशिश करेंगे, इनका अनुसरण करने की कोशिश करेंगे, राइट। ऐसी स्थिति में
विश्व मानचित्र पर दो नए देशों का अस्तित्व आएगा, ठीक है। और वो दो नए देश कौन से हैं जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में आएंगे, मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में वो दो देश हैं, जर्मनी और इटली। सोचने की बात है, जिस पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई, ठीक है, वही इटली उस पुनर्जागरण के काल में भी अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था, फ्लोरेंस, नेपल, सिसिली, ठीक है, लोम्बार्डी, ठीक है, सेवोय, ठीक है, पेपल स्टेट। इटली जैसा कोई अस्तित्व था ही नहीं। उसी तरीके से जर्मनी 200 छोटे छोटे साम्राज्य में बटा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा था प्रशिया, ठीक है। फिर प्रशिया में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व आते हैं, ठीक है, ऑटोवान बिस्मार्क, और वो बिस्मार्क पूरी की पूरी जर्मनी को एकीकृत करते हैं। उसी तरीके से इटली में कैवूर नाम के एक राजनीतिक आते हैं, और ये इनको साथ मिलता है गैरिबाल्दी का, मजीनी का, और ये इटली को एकीकृत कर देते हैं। तो विश्व में जो अभी तक यूरोप में मुख्य रूप से जो ये महान शक्तियां है, ठीक है, तीन, अब इसके बाद दो नई महाशक्तियां या दो नए राष्ट्र विश्व मानचित्र पे आ गए, ठीक है। कब? 19वीं शताब्दी के अंत पर। अब जब 19वीं शताब्दी के अंत पर ये नए देश आएंगे, विश्व तो पहले ही बढ़ गया है, ठीक है, तो ये लोग क्या चाहेंगे? हमें भी हिस्सा चाहिए, इन्हें भी तो शक्तिशाली बनना है ना, इन्हें भी तो उपनिवेश की दौड़ में शामिल होना है, इसे भी, इन्हें भी तो अपनी तरक्की करनी है। तो ये लोग क्या करेंगे? अगर नए साम्राज्य नहीं बन सकते तो पुरानों को तोड़ा जाए, सिंपल। या तो नई जमीन तो बनाई नहीं जा सकती, तो जो पहले से जिसकी जमीन है उनमें दखल दिया जाएगा, उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो विश्व राजनीतिक व्यवस्था है वो दोबारा परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। जो अभी तक सिर्फ महान शक्तियों में शामिल थे, अब उन महान शक्तियों को चुनौती देने के लिए नई शक्तियां उदय होगी, और इन नई शक्तियों के उदय के वजह से विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ा संकट आएगा, जो मुख्य रूप से यूरोप में होगा, और उस संकट का परिणाम निकलेगा प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण कौन बनेगा? जर्मनी और इटली, ठीक है, मुख्य रूप से जर्मनी। क्यों? क्योंकि जर्मनी कुछ ज्यादा ही आक्रामक था, ठीक है। तो दोनों विश्व युद्ध करने के पीछे एक देश अगर किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हो तो वो है जर्मनी। आई बात समझ में? क्लियर है? लग रहा है कहानी चल रही है, बट अच्छा, ब्रेक की जरूरत हो गई है। क्या बेटा? है ना, ब्रेक दे, कहां रहूं मैं, कहां लग रहा हूं ना, ठीक है, आगे कहानी सुनाई जाएगी, ठीक है। तुम्हें कहानी तो सुनना है, सुनो आराम से बैठ के, आगे सुन लो पहले, ठीक है। अब उपनिवेश बन गए हैं, इन उपनिवेशों में महान शक्तियों ने अपने अपने साम्राज्य बना लिए। ब्रिटेन का अपना साम्राज्य है, ठीक है, फ्रांस का अपना साम्राज्य है, स्पेन का अपना साम्राज्य है, ठीक है। अब वहीं पर जब जर्मनी और इटली नए साम्राज्य के रूप में आएंगे, नए देशों के रूप में आएंगे, तो ये अपने आप में शक्तिशाली बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर ये शक्तिशाली बनते हैं, क्यों? क्योंकि ये बनेंगे, क्योंकि ये लोग भी औद्योगिक क्रांति करेंगे, और इस औद्योगिक क्रांति से अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाएंगे। परिणाम ये निकलेगा कि विश्व में